खंडवा और खरगोन लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा नेताओं पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक माहेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। खंडवा लोकसभा सीट उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण पुरानी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सचिन बिरला सहित अन्य कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने महेश्वर रोड स्थित कार्यालय में जय स्तंभ चौराहे तक पैदल जनसंपर्क किया। इस दौरान मतदाताओं से हाथ जोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की। वहीं बीच रास्ते में एक होटल पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित अन्य विधायकों ने चाय की चुस्की ली। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सीएम शिवराज सहित प्रदेश भाजपा वीडी शर्मा पर जमकर बरसते नजर आए। लोगों में एक भावना है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल पहले देश से बातें की, उसके विपरीत देश चल रहा है। आज वो हर समस्या एक राजनीतिक दल को या सरकार को जिसका समाधान करना चाहिए, उसमें समस्याएं बढ़ती जा रही है। वो चाहे देश के सीमाओं की समस्या हो, देश में आतंकवाद की समस्या हो, देश की आर्थिक स्थिति हो, देश में रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, व्यापार की बात हो, या घर परिवार चलाने की बात हो, कोई ऐसा वर्ग जो इस सरकार से खुश हो नहीं दिखता है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी हैं वो खुद भी इस सरकार को हराना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की अक्कल ठिकाना लाना चाहते हैं। ये तो सरकार भी कमलनाथ जी की थी और चला भी वही रहे थे, पर ये जरूर है लोकतंत्र की जो हत्या की वो वीडी शर्मा की पार्टी ने की, नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह ने की, और आज के मुख्यमंत्री लूट और खसोट के शिवराज सिंह जी ने की। भैया तो जनता के मत को खरीदा गया, उसको बेचा गया, उसका बलात्कार किया गया। मत का बलात्कार क्या होता है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने करके बताया है। मत के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को जनता सजा देगी। कमलनाथ जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी है कि जो मैंने पहले भी कह चुका हूँ इस बात को कि वीडी शर्मा एक पर्याय बनते जा रहे हैं घृणा के, घृणा फैलाने के, गलत बयानों के, और पद की गरिमा उस पद पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था, इससे पहले जो व्यक्ति रहे हैं उन्होंने आयाम विपक्ष में होते हुए भी अच्छे सकारात्मक लोग थे, पर वीडी शर्मा से नकारात्मक कोई प्रदेश अध्यक्ष शायद बीजेपी का नहीं रहा है। जहाँ तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, इतने बड़े व्यक्तित्व है कि वो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। ये बार बार बात करना, बयान देना, आप ये बताओ ना कि मध्य प्रदेश में बेटियों का बलात्कार क्यों हो रहा है? आप जिस पार्टी के अध्यक्ष है उस पार्टी का मंत्री प्रत्याशी की चोटी में सार्वजनिक रूप से क्या करता है, इसका जवाब दो ना। आप जवाब दो कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं उसके लिए दोषी कौन है? आप जवाब दो कि इस प्रदेश में महिलाएं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होता है, जवाब दो। इस तरह की बात करने से तो कुछ नहीं होगा। रोजगार की बात की थी वो दो, आपने किसानों के आय दुगनी करने की बात की थी वो तो करो। आप ऐसी बात कैसे करते हो जिससे कि बार बार पता चले कि आप अपरिपक्व व्यक्तित्व हो, अपरिपक्व राजनेता हो। एक अनुभवहीन अध्यक्ष क्या होता है वो है वीडी शर्मा। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।